ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तुला राशि वालों, हो जाओ तैयार, क्योंकि अब आपको देवों के देव महादेव भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से 14 नवंबर से 20 नवंबर यानी कि इन 7 दिनों में बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। या दोस्तों, इन 7 दिनों में ऐसी खुशखबरी 7 जन्मों तक नहीं मिलेंगी। या दोस्तों, आपको बता दें, इन 7 दिनों में होगा बड़ा उलटफेर, टांग पकड़कर तलवे चाटेंगे आपके दुश्मन। या दोस्तों, आपको बता दें, देवों के देव महादेव भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके लिए 14 नवंबर से 20 नवंबर यानी कि इन 7 दिनों का समय बहुत ही अच्छा समय साबित होने वाला है। या दोस्तों, इन 7 दिनों में जो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति है वह आपके लिए भाग्य उदय का निर्माण कर रही है। या दोस्तों, जिससे कि यह समय आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली समय कहा जा सकता है। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति आपके लिए राजयोग का निर्माण इन 7 दिनों में कर रही है, जिससे कि आपकी किस्मत इन 7 दिनों में चमक जाएगी। या दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके 14 नवंबर से 20 नवंबर यानी कि इन 7 दिनों के संपूर्ण और सटीक राशि फल के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को आप पूरा देखें। दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक अभी करें, कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें, जिससे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कैसा रहेगा आपके लिए देवों के देव महादेव भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से 14 नवंबर से 20 नवंबर यानी कि 7 दिनों का यह महत्वपूर्ण समय। दोस्तों, यह समय आप अपने व्यवहार तथा मृदुभाषिता द्वारा खराब संबंधों को सुधारने में सफल रहेंगे। आपकी सकारात्मक सोच जैसे भाग्य की अपेक्षा कर्म पर विश्वास करना आपके लिए स्वाभाविक ही उत्तम परिस्थितियां उत्पन्न करेगी। घर में कोई धार्मिक आयोजन भी हो सकता है। दोस्तों, यह समय पिछले कुछ समय से चली आ रही बाधाओं को दूर करने में आप सफल रहेंगे, जिससे आप में आत्मसंतुष्टि का भाव भी रहेगा। राजनीतिक व सामाजिक गतिविधियों में विशेष योगदान रहेगा। एक खास मुकाम भी आपको इस समय हासिल होगा। समय मान व प्रतिष्ठा वर्धक है। धर्म कर्म व आध्यात्मिक कार्य के प्रति रुचि रहेगी। व्यवसाय, घर व दुनियादारी के बीच बेहतरीन संतुलन बनाकर रखेंगे। दोस्तों, यह समय उधार दिए हुए किसी पैसे का कुछ हिस्सा आपको वापस मिल सकता है। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखते हुए अपनी विशेष प्रतिभा को जागृत करने में समय व्यतीत होगा। विशेषकर गृहिणियां स्वयं को साबित करने में सफल रहेंगी। विद्यार्थियों को अपनी परीक्षा में सफलता हासिल होगी। बड़े बुजुर्गों का स्नेह और आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा। किसी जरूरतमंद मित्र की मदद करने से मन में खुशी रहेगी। दोस्तों, अपने उसूलों व सिद्धांतों के साथ किसी भी तरह का समझौता ना करना आपको मजबूत बनाकर रखेगा। दोस्तों, यह समय अपनी समझबूझ व बुद्धिमता के द्वारा अपने कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करने में आप सफल रहेंगे। कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करना आपको विशेष सफलता प्रदान करेगा। घर में मित्रों या मेहमानों का आगमन होगा तथा सभी सदस्य आपसी मेलजोल का लुत्फ उठाएंगे। दोस्तों, साथ ही साथ इस समय कभी कभी आपका मनमौजी स्वभाव दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। घर में पारिवारिक सदस्यों के साथ किसी छोटी सी बात को लेकर गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है, जिसकी वजह से किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप हो सकता है। दोस्तों, यह समय ध्यान रखिए कि कोई अपना ही नजदीकी मित्र धोखा या फिर ठगी कर सकता है। युवा वर्ग की अपने करियर के प्रति लापरवाही भविष्य के लिए नुकसानदायक रहेगी, इसलिए सावधानी रखना आपके लिए अति आवश्यक है। दोस्तों, यह समय किसी नजदीकी मित्र की नकारात्मक गतिविधि से आपको आघात या फिर धक्का लग सकता है। गाड़ी या मकान संबंधित कागजात आप बहुत ही संभाल कर रखें। दोस्तों, कभी कभी
किसी विशेष विषय को गहराई से जानने की इच्छा आपको अपने लक्ष्य से भटका सकती है, थोड़ा सावधान रहें। परंतु ज्यादा आत्म केंद्रित होने से इसका नकारात्मक असर आपके व्यक्तिगत तथा पारिवारिक जीवन पर पड़ सकता है। किसी धार्मिक उत्सव में गलतफहमी की वजह से किसी के साथ कहासुनी हो सकती है, इसलिए अपने व्यवहार को संयमित बनाकर रखना आपके लिए अति आवश्यक है। दोस्तों, यह समय अपने भाई बहनों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखें, क्योंकि किसी प्रकार की कहासुनी हो सकती है। विद्यार्थियों का ध्यान अपनी पढ़ाई से भटककर व्यर्थ के कार्यों में लग सकता है, जिससे कोर्स पूरा करने में दिक्कत आ सकती है। विद्यार्थी लोग अपनी पढ़ाई के प्रति किसी प्रकार का समझौता ना करें, अन्यथा रिजल्ट खराब हो सकता है। अपने स्वभाव को सहज व संतुलित बनाकर रखें, क्योंकि गुस्से से परिस्थितियां और अधिक बिगड़ सकती हैं। कानूनी काम में भी आप ना उलझें, सावधान रहें। दोस्तों, बात करें लव लाइफ के नजरिए से, तो यह समय पति पत्नी के बीच अहम का टकराव हो सकता है, परंतु समय रहते आप नकारात्मक परिस्थितियों को काबू में पा लेंगे, जिससे पति पत्नी में नजदीकियां बढ़ेंगी। विवाह संबंधित कार्यों में व्यस्तता भी बनी रहेगी। दोस्तों, साथ ही साथ अत्यधिक व्यस्तता के कारण परिवार पर आप ध्यान नहीं दे पाएंगे, परंतु जीवन साथी का सहयोग पारिवारिक वातावरण को उचित बनाकर रखेगा। पति पत्नी के आपसी संबंध अच्छे रहेंगे, प्रेम संबंधों में भी प्रगढ़ता आएगी। दोस्तों, बात अगर आपके व्यवसाय और करियर की करें, तो इस समय आपकी कोई ऐसी बात उजागर हो सकती है जिसे आप गोपनीय रखना चाहते थे। व्यवसायिक कार्य अभी लंबित ही रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों को भी ऑफिस से संबंधित कोई भी नजदीकी यात्रा करनी पड़ सकती है, जिससे आपको अधिक लाभ पहुंच सकता है। दोस्तों, कार्य क्षेत्र में किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात आपकी तरक्की व जीत के लिए सहायक रहेगी। नौकरी में अपने टारगेट को पाने में आपको कामयाबी भी हासिल होगी। दोस्तों, किसी के साथ साझेदारी करते समय नुकसान फायदे की स्थितियों पर भी अवश्य विचार विमर्श करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, साथ ही साथ इस समय किसी प्रकार की व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा में आपकी हार हो सकती है, परंतु इस तनाव को आप अपने ऊपर हावी होने ना दें तथा धैर्य पूर्वक अपने अन्य कार्यों के प्रति समर्पित रहें, अवश्य ही आपको सफलता प्राप्त होगी। नौकरी में प्रमोशन या फिर ट्रांसफर के आपके लिए योग बन रहे हैं। दोस्तों, यह समय कार्य क्षेत्र में कार्यों के बीच बीच में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, जिनकी वजह से ऑर्डर आदि पूरा करने में विलंब हो सकता है। कर्मचारियों की गतिविधियों को आप नजरअंदाज ना करें, वे लोग किसी प्रकार की राजनीति उत्पन्न कर सकते हैं, सावधान रहें। दोस्तों, साथ ही साथ यह समय मशीनरी व तेल संबंधित व्यवसाय भरपूर मुनाफे कमाने की स्थिति में है, इसलिए पूरा ध्यान अपने काम पर ही केंद्रित रखें, परंतु हर काम में पेपर संबंधित कार्यों को पूरी तरह व्यवस्थित रखना आपके लिए अति आवश्यक है। किसी प्रकार की इंक्वायरी आदि बैठ सकती है, सावधान रहें। दोस्तों, साथ ही साथ खान पान से संबंधित व्यवसाय धीरे धीरे व्यवस्थित होंगे। अपने काम की क्वालिटी में और अधिक सुधार लाने की आपको आवश्यकता है, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। दोस्तों, बात अगर आपके स्वास्थ्य की करें, तो यह समय आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। किसी प्रकार की चिंता आप ना करें। वाहन या मशीन संबंधित उपकरणों का सावधानी पूर्वक आप उपयोग करें, क्योंकि किसी प्रकार की चोट या फिर एक्सीडेंट की आशंका बन रही है। दोस्तों, साथ ही साथ यूरिन इन्फेक्शन जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तरल पदार्थों का अधिक से अधिक आप सेवन करें। गलत खान पान की वजह से गैस व पेट खराब होने जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। प्राकृतिक चीजों को अधिक से अधिक सेवन में लाएं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा।